पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मुल्तानी सर, सर ये नील तो आई नो रोज छत से ज्यादा ये बैकग्राउंड चेक कर रहा है। ये दिल तो कर रहा है किसे जान से मार दूं, इसके पहले हमारा कोई दूसरा राज खुले। नो सर, ऐसा नहीं कर सकते। युक्ति मैम अलाउ नहीं करेगी। युक्ति नहीं, युविका को रोज। हम युविका की मदद इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें हमारा भी फायदा था, लेकिन युविका को सपोर्ट करने के चक्कर में हम अपना नुकसान नहीं करवा सकते। इसके पहले हमारी मुसीबतें बढ़ी, हमें कुछ करना होगा। मैंने क्यों बचाया उसे, मरने क्यों नहीं दिया मैंने उसे। क्या कर रही हूं मैं मम्मी, क्या कर रही हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मेरे यूं भूत बनकर उनको डराने से वो कभी भी अपना गुनाह कबूल करेंगे। युविका, यही तो फर्क है तुझ में और उसमें। तू प्रेम महाजन की बेटी है, मेरी बेटी है, तुझ में हमारा खून है। युविका, ये तेरे स्वभाव में ही नहीं है कि तू किसी को मारेगी। मारना तो दूर, तू किसी को चोट तक नहीं पहुंचा सकती बेटा, ये तेरी फितरत में ही नहीं है बेटा। लेकिन मम्मी, डीजे तो जल्लाद है, ये मैं जानती हूं ना। मैंने डीजे को बचाया, लेकिन क्या अगर डीजे मेरे जगह पे होता मुझे बचाता। वो कभी ऐसा नहीं करता। युविका बेटा, यही तो फर्क है तुझ में और उसमें। लेकिन मम्मी, ऐसे तो हम कभी नहीं जीतेंगे। अरे कहाँ हो गया डीजे पप्पा को, अरे कोयलिया कैसे हो गया। अरे गार्गी जी, अरे गार्गी जी कहाँ हो गया। आप हौसला रखिए, हाँ कुछ नहीं होगा टीचर बबुआ को, हम कुछ होने नहीं देंगे। हाँ संकट मोचन से मन्नत मांग लिए है, हमेशा सुनते हैं हमरी। हाँ वैसे कुछ अंदाजा है कि कौन कांड किया है। कहे कि हमरा तो एकदम खून खोल रहा है। हाँ ये लड़की है, ये भूत बन के हमें, आपको, मुझे, हम सबको डराने की कोशिश कर रही है। मेरी गट फीलिंग कह रही है मॉम। पता नहीं, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। कार्की, अरे धीरज रखिए, धीरज रखिए। हम कहे ना, हम जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन आपको रुलाने वालों को छोड़ भी नहीं करेंगे। डॉक्टर, अब मेरा बेटा कैसा है? वाइटल्स बैक टू नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। गिरने की वजह से उनकी बॉडी शॉक में है, सो वी आर डीपली, मतलब क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम तो। ही इज आउट ऑफ डेंजर। चलो संकट मोचन जी को सवा मन लड्डू चढ़ाएंगे। बढ़िया बढ़िया।
दूंगा। डीजे बेटा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? घबराओ नहीं, डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या हुआ बेटा, अब तुम परेशान लग रहे हो? आर यू अनकंफर्टेबल? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? क्या बात है बेटा? ओके ओके, आई गेट इट। हाँ, तुम बताना चाहते हो ना कि तुम कैसे गिरे, कैसे लगी? बेटा हम बाद में बात करेंगे, यू जस्ट रेस्ट। हाँ, आंखें बंद करो। ओके बेटा, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? पता है मम्मी, पुराने दिन की बातों को याद करके ना मन हल्का फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं हो रही, इस टेंशन ये कि पता नहीं आगे क्या होगा। सब अच्छा होगा, तू देखना युविका, सब कुछ अच्छा होगा। जैसे तू चाहती है ना, बिल्कुल वैसा होगा। हाँ रोज, मैम डीजे इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। डीजे ने कुछ कहा है किसी से कि उसकी हालत ऐसी कैसे हुई, उसको किसने मारा या क्या हुआ है? DJ, my son! How are you, my son? तो सो रहा है? मुझे लगा इसे होश आया। अरे मैंने अभी देखा, ये तुमसे बात कर रहा था, फिर सो कब गया? हाँ, इतनी मेडिकेशन चल रही है ना, शायद उसी वजह से। चलो इसे आराम करने देते हैं। आओ। क्या हुआ गार्की? बात क्या है गार्की? ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। गार्की मुझे कुछ बताओगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? गार्गी कुछ बोलो, बताओ मुझे। थैंक गॉड, टीचर को अभी तक होश नहीं आया है और उसने अभी तक किसी से कुछ कहा नहीं है। थैंक गॉड। लेकिन अगर उसे कुछ याद आ गया तो मुझे जाके चेक करना चाहिए है ना मम्मी? मैं खुद जाके चेक करके आती हूँ। आप रेस्ट करो। युविका बेटा शांत रहो। लेकिन मम्मी जाके चेक। गहरी सांस लो। बाहर। और फिर भी अगर तुम्हें तसल्ली के लिए वहां जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मुझे पता है कि विजय तुम्हारी होगी। क्या हुआ मम्मी? बेटा वो सुरक्षा कवच कहाँ है?
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।